10, 20, 30, 40 क्या कर रहे हैं आप? मैं, मैं क्या कर रही हूँ? मैं नोट गिन रही हूँ। 40 यह काम तो मैं भी कर सकती हूँ। बुलवा दिया ना फिर से। नहीं है तो आसान ही काम रुपए पैसे गिनने का। लेकिन आज हम इस बारे में खूब सारी चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे रुपए पैसे के हिसाब की और इस बातचीत का आधार है कक्षा दो की गणित की पाठ्य पुस्तक की इकाई दस जिसका नाम है मेले का आनंद तो यहाँ मेरे पास कुछ नोट है देखिए आप देख सकते हैं इन नोटों को हम्म hmm. हम्म hmm. इस इकाई के पिछले भाग में हमने जाना था कि एक रुपये में सौ पैसे होते हैं और गुब्बारे का खेल भी तो खेला था जी हाँ आज भी हम एक ऐसा ही खेल खेलने वाले हैं। तो आप तैयार हैं इस खेल के लिए इस खेल में हमें पैसे से संबंधित एक खेल खेलना है चलिए अब देखिए मेरे पास यहाँ कुछ नोट हैं और कुछ सिक्के हैं अगर मैं आपको कहूँ कि आपको इन नोटों और सिक्कों का इस्तेमाल करके छियासठ रुपए बनाने हैं कितने छियासठ तो क्या आप बना पाएंगे तो चलिए शुरू कीजिए छियासठ के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक पचास रुपए का नोट हाँ और एक दस रुपए का नोट ये हुए पचास और दस साठ और एक पांच रुपए का सिक्का और एक एक रुपए का सिक्का बिल्कुल ठीक तो पचास और दस हुए साठ पांच और एक छठ और और छ हुए छियासठ सही है इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि आपको छियासठ रुपए ही बनाने हैं लेकिन एक नई तरीके से तो आप किन नोटों का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले तीन बीस रुपए के नोट हम्म तो आपने यहां लिए तीन नोट बीस बीस रुपए के बीस और बीस चालीस चालीस और बीस साठ साठ और रुपए और बनाने हैं तो पांच और एक छियासठ रूपए सही है हुँ. लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि एक और तरीका सोचिए जिससे आप छियासठ रूपये बना सकते हैं, क्या आप ये कर पाएंगे हाँ जी चलिए तो फिर शुरू कीजिए अच्छा तो अब की बार आप दस दस के नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम्म बढ़िया अरे वाह तो यहाँ ने दस, दस के नोटों का इस्तेमाल किया है कितने नोट है दस के छीस तीस चालीस पचास और साठ तो साठ रुपए तो हो गए छ रुपए और बनाने हैं आपको मैं लूंगी तीन दो के सिक्के अच्छा तो इस बार आपने छियासठ रुपए बनाने के लिए दस दस के छे नोट और दो दो के तीन सिक्के तो ये भी एक तरीका हुआ छियासठ रुपए बनाने का बढ़िया तो बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे कि वहां एक चक्र बनाया हुआ है और उस चक्र में दिखाया है कि आप छियासठ रुपए पूरे करने के लिए अलग अलग नोटों और सिक्कों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आइए बढ़ते हैं अपनी अगली गतिविधि की ओर। अगर मैं कहूं कि दी गई धनराशि को अलग अलग नोटों और सिक्कों की सहायता से आपको एक धनराशि बनानी है तो क्या आप बना पाएंगे हाँ जी ये तो बहुत आसान है लेकिन अब की बार सिर्फ धनराशि बनानी नहीं है उसे आपकी पाठ्य पुस्तक की दी गई तालिका में लिखना भी है क्या लिखना है इसमें हाँ हाँ लिखना है इसमें आप लिखेंगे कि आपने कितने रुपए के कितने नोट और सिक्कों का उपयोग किया हाँ हाँ समझ गई। अब आप धनराशि तो बताइए तो आपकी धनराशि है चौवन चौवन मतलब पचास और चार अब आप बनाइए चौवन इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं बीस के नोट दस के नोट और कुछ सिक्के तो यहां त्वेषा ने लिया है एक बीस का नोट इसके बाद आप कौन से नोट लेंगे हां आप दस के नोटों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो ये हुए बीस और दस तीस और दस चालीस आपको बनाने हैं पचास तो एक और दस का नोट लेंगे बिल्कुल सही तो ये हुए पचास रुपए अब आपको चार रुपए और पूरे करने हैं तो आप यहाँ सिक्के इस्तेमाल करेंगे दो और दो। तो ये चौवन रुपए ठीक है पचास और चार बने चौवन तो इसके लिए हमने एक बीस के नोट का इस्तेमाल किया और तीन दस के नोटों का उसके बाद दो सिक्के दो दो के इसी तरीके से हम इसे तालिका में भी लिखेंगे जहां हम बीस के नीचे लिखेंगे एक और दस के नीचे लिखेंगे तीन क्योंकि दस दस के हमने तीन नोटों का उपयोग किया है इसके बाद दो के दो सिक्के हैं तो दो के नीचे क्या लिखेंगे दो अच्छा अब एक बात सोचिए कि जिन नोटों या सिक्कों का हमने इस्तेमाल ही नहीं किया उसके नीचे क्या लिखेंगे सोचिए नहीं सोच पा रहे मैं बताती हूँ उसके नीचे आप डैश का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपने उस धनराशि को बनाने के लिए उन नोटों और सिक्कों का इस्तेमाल ही नहीं किया अब समझे अरे वाह आपने तो बड़ा जल्दी समझ लिया बच्चों आप भी इसी तरह बाकी की तालिका को पूरी कर सकते हैं पर मुझे एक बात समझ नहीं आई क्या बात पूछिए अभी हमने जो किया वो हमारे में कब और कैसे काम आ सकता है बहुत अच्छी बात पूछी है आपने अभी जो हमने गतिविधि की ये हमारी जिंदगी में कब और कहाँ काम आती है क्या आप खरीदारी करने बाजार जाते हो हाँ, जाती तो हूँ तो अब यह है चित्र देखिए इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ एक गेंद है एक गुब्बारा फिर डायरी दही दही का दही का डिब्बा पेंसिल बिस्कुट और बहुत सारी चीजें हैं सही पहचाना आपने अच्छा तो मान लो कि आपको एक डायरी लेनी है और एक दही का डिब्बा डायरी पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा टैग लगा है जिस पे लिखा है पंद्रह रुपये कितने रुपए पंद्रह रुपए बिल्कुल ठीक इसी तरीके से दही के डिब्बे पर लिखा है अट्ठाईस रुपए तो अगर आपको डायरी और दही का डिब्बा लेने हैं तो आपको कुल कितने रुपए देने होंगे डायरी है पंद्रह रुपए की और दही का डिब्बा है अट्ठाईस रुपए का तो कुल रुपए हुए तिरालीस लेकिन आपके पास केवल तीस रुपए हैं। तो आपको कितने और रुपए की जरूरत है तेरह रुपए बिल्कुल तेरह रुपए और चाहिए आया समझ आ गया समझ बच्चों इसी तरह आप बाकी के प्रश्नों को खुद हल करके देखिए और दी गई तालिका में लिखिए आइए अब संख्याओं को जमा करने का एक और तरीका देखते हैं इसमें हम संख्याओं को ऊपर नीचे लिखते हैं जैसे 18 और 32। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो बनेंगे पूरे 50। आप इन संख्याओं को अपने खुद के तरीके से भी जोड़ सकते हैं हम्म हाँ हम अपने आप कर सकते हैं बिल्कुल ठीक अच्छा ये तो हुई सीधी संख्याएं जोड़ने की बात अगर मैं इसी तरीके से कुछ सवाल आपसे पूछूं, तो आप हल करने का तरीका बता पाएंगे हाँ मैं कोशिश करूंगी बढ़िया तो पहला प्रश्न आपके लिए ये है जयंत जो एक लड़का है जयंत ने पच्चीस रुपये पेन पर और चालीस रुपये कॉपियों पर खर्च किए उसने कुल कितने रुपए खर्च किए इसके लिए हमें दोनों संख्याओं को जमा करना है बिल्कुल सही तो 25 और 40 होते हैं पैंसठ तो हमारा उत्तर है पैंसठ बिल्कुल ठीक बच्चों पैंसठ के साथ रुपए लगाना ना भूलें चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं मीरा के पास तिरालीस रुपए हैं। कनिका के पास मीरा से चौदह रुपये अधिक हैं। कनिका के पास कुल कितने रुपए हैं? इसके लिए हमें दोनों संख्याओं का क्या करना होगा जमा। बिल्कुल सही। तिरालीस और चौदह हुए सतावन। तो हमारा उत्तर होगा सतावन रुपये बच्चों अब समय है एक परियोजना कार्य का जब आप अपने माता पिता के साथ बाजार जाएं तो खरीदी गई वस्तुओं की सूची बनाएं एवं खर्च किए गए पैसों का हिसाब लगाएं इससे आपको समझ आएगा कि नोटों और सिक्कों का इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी में कहाँ और कैसे करते हैं एक और बात क्या आपने कभी देखा है कि मूल्य चुकाने के लिए मोबाइल का उपयोग भी किया जाता है क्या आपने देखा है हाँ जी जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम अपने मोबाइल की सहायता से भी उस सामान की कीमत दुकानदार को दे सकते हैं तो बच्चों मेले का आनंद की इकाई के इस भाग में हमने जाना कि हम कैसे विभिन्न नोटों और सिक्कों के इस्तेमाल से अलग अलग तरीके से विभिन्न धनराशि को बना सकते हैं इसके साथ ही हमने अलग अलग धनराशि को जोड़ना भी सीखा तो आप भी इसी तरीके से अभ्यास करते रहिए इसी के साथ मैं नीरज और मेरे साथ करते हैं आपको नमस्कार